हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्टिन हार्मोन के और प्रोडक्टिन हार्मोन का सोर्स फंक्शन और रेगुलेशन देखेंगे तो सोर्स देखिए सिक्रेटेड मेनली बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से इसक्रिएट होता है और ये स्ट्रक्चरली होमोलोगस होता है ग्रोथ हार्मोन के और इसका फंक्शन क्या होता है ये मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन ये मेन है और ऑक्सीटोसिन होता है वो मिल्क सिक्रीशन करता है तो इसलिए यहाँ मिल्क प्रोडक्शन को हाईलाइट कर लीजिए और इनहिबिट ओवुलेशन इन फीमेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल और फीमेल में ओवुलेशन को और मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस को ये इनहिबिट कर देता है कैसे क्योंकि ये इनहिबिट करता है गोनाइडोट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन के सिंथेसिस को और उसके रिलीज को तो इसको जब कम कर देगा तो इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस भी कम हो जाएगी और ओवोलुशन भी कम हो जाएगा और देखिए एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन एसोसिएटेड विद डिक्रीज लिबिडो तो जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये लिबिडो को डिक्रीज कर देगा और उसके बाद देखिए रेगुलेशन रेगुलेशन में क्या दिया गया है फ्रॉम प्रोलेक्टिनियर पिट्यूटरी इज टोनिकली इनहिबिटेड बाय डोपामीन फ्रॉम ट्यूब्रो इन्फेंडिकुलर पाथवे ऑफ हाइपोथेलमस तो हाइपोथेलमस से जो पाथवे आता है पिट्यूटरी ट्रक उसी को हम बोलते हैं ट्यूब्रो इन्फर्डिकुलर पाथवे तो इसके थ्रू डोपामीन जो होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्रेस कर देता है ताकि वो कम से कम प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन करे और फिर देखिए प्रोलेक्टिन इन टर्न इनहिबिट्स इट्स ऑन सिक्रेशन और प्रोलेक्टिन अपना खुद सिक्रेशन इनहिबिट करती है कैसे ये इंक्रीज कर देती है डोपाम सिंथेसिस और सिक्रेशन को हाइपोथैलेमस में तो हाइपोथैलेमस को स्टूमुलेट करती है प्रोलेक्टिन जिसकी वजह से डोपमिन का सिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है और प्रोलेक्टिन सिक्रेशन खुद कम हो जाता है और फिर देखिए थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ये प्रोलेक्टिन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है और जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपर में प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद डोपामीन हैज़ स्ट्रॉगर इफेक्ट ऑन प्रोलेक्टिन रेगुलेशन देन थायराइड रिलीजिंग हार्मोन डज यहाँ पे बताया गया कि डोपामीन का जो इफेक्ट है यानी डोपामीन जो निगेटिव इफेक्ट देता है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रांगर होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो पॉजिटिव इफेक्ट देता है यानी अगर सेम अमाउंट में डोपामी रिलीज हो और सेम अमाउंट में थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट हो तो डोपामीन का फंक्शन ज़्यादा होगा और डोपामीन अपना काम करेगा और प्रोलेक्टिन के सिक्रेशन को कम कर देगा फिर देखिए डोपामीन के एगोनिस्ट कौन कौन से हैं ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कैपरगोलिन ये दोनों इनहिबिट करते हैं प्रोलेक्टिन के सिक्रेशन को एंड कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलेक्टिनोमा तो इसीलिए इनका इस्तेमाल प्रोलेक्टिनोमा में किया जाता है और डोपामिन एंटागोनिस्ट जैसे मोस्टली एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं या मीटोक्लोप्रामाइड और एस्ट्रोजन जो कि ओवरल काउंट्रोसेप्टिव पिल्स की, की वजह से सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन या प्रेगनेंसी की वजह से स्टमुलेट प्रोलेक्टिन सिक्रेशन तो ये सब भी प्रोलेक्टिन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं और यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा दिखाया गया इसको बहुत आसानी से समझते हैं देखिए ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन सिक्रेट हो रहा है अब यह किससे किससे इनहिबिट होगा तो देखिए हाइपोथैलेमस से डोपामीन सिक्रेट हुआ जो कि इसको इनहिबिट कर सकता है और हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट हो रहा है जो कि प्रोलेक्टिन को स्टूमुलेट करेगा और ये डोपामीन के सिक्रेशन को हम कम कर सकते हैं मेडिकेशन से या चेस्ट वॉल इंजरी हुई या इसी तरह से निप्पल स्टूमेशन जब बेबी निप्पल पर सक करता है तो डोपामीन का सिक्रेशन कम हो जाता है जब डोपामीन का सिक्रेशन कम होगा तो इसकी वजह से ये प्रोलेक्टिन को कम इनिबिट करेगा और प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा या इसी तरह से क्राई ऑफ बेबी जब बेबी क्राई करेगा तब भी जो है डोपामीन का सिक्रेशन कम होगा जिसकी वजह से प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा और प्राइमरी हाइपर हुआ उसमें भी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बढ़ जाता है और जब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बढ़ेगा तो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन अपने आप हाँ बढ़ जाएगा और प्रेगनेंसी के दौरान या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसमें भी क्या होता है एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और ये एस्ट्रोजन डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन को सिक्रेट करती है और ये प्रोलैक्टिन देखिए अब ये प्रोलैक्टिन क्या करता है ये प्रोलैक्टिन आके ब्रेस्ट पे वर्क करता है और यहाँ से ये मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है और यही प्रोलेक्टिन अब देखिए ये पेरीफेरी में जाता है और ये गोनेडल एक्सिस को सप्रेस कर देता है जिसकी वजह से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाता है हाइपोथेलमस से और जब ये कम हो जाएगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो ओवलेशन नहीं होगी फीमेल्स में और मेल्स में इस पर मेटोजेनेसिस नहीं होगी तो ये पूरा प्रोलेक्टिन के फंक्शन के बारे में बताया गया और पूरा रेगुलेशन कैसे रेगुलेट होता है ये दिखाया गया